बोन नारा, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज हिंदी तेलुगु क्लास में हम लोग खाने की बातें करेंगे, क्योंकि खाने से संबंधित बातें बहुत होती हैं। खा लिया क्या? नहीं खाओगे? क्यों नहीं खाओगे? कब खाओगे? बाद में खाऊंगा, इस तरह से होती है ना फ्रेंड्स। तिन्न गुरुजी माटा एक पाव देखता तीन से नू इंदुकु तीन ले दू तीनू तिंटू नानू एक पाव देखता। तो फ्रेंड्स इरोज इदी वीडियो लो तिन्न गुरुजी माटा दो। ओके ना फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। सबसे पहले यदि हमें कहना है कि मैं खाऊंगा, या कोई लड़की कहती है मैं खाऊंगी, तो तेलुगु में क्या कहेंगे? मैं के लिए क्या बताई थी? नेनू, नेनू। मैं के लिए नेनू, नेनू। मैं खाऊंगा या खाऊंगी, दोनों के लिए तिंटानो। देखिए यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ तिंटानो, नेनू तिंटानो। मैं खाऊंगा या मैं खाऊंगी फ्रेंड्स। मैं चप्पल कदा तेलुगु लो नेन तिंटानो, हिंदी ने चप्पाले मन की चप्पाली मैं खाऊंगा। इला चूडंडी अला रायाली मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा। अब्बाई उंटे मैं खाऊंगा चप्पाली, अम्मा एंटी चेप्पेदी अम्मा उंटे मैं खाऊंगी, अप्पुडु गी चप्पाली चूडंडी इक्कड मैं खाऊंगी अला गी रायाली मैं खाऊंगी। नेनु तिंटानु तेलुगुलो ओकटे, हिंदीलो अब्बाई उंटे मैं खाऊंगा, अम्मा उंटे मैं खाऊंगी चप्पाली। फ्रेंड्स तेलुगु में सिर्फ नेनु तिंटानु बोलना है, ठीक है ना। मैं खाऊंगा है या मैं खाऊंगी है, कोई लड़का लड़की दोनों है तो नेनु तिंटानु बोलना है। फ्रेंड्स अगला देखते हैं। यहाँ पे तो नेनु तिंटानु दोनों के लिए हो जाएगा, लेकिन अब भिन्नता आने वाली है, ठीक है। जैसे कहना है वह खाएगी, यदि हमें किसी लड़की के लिए कहना है तब हम कहेंगे आमे तिंटुंदी। देखिये मैं यहाँ पे लिख भी दी हूँ आमे तिंटुंदी, आमे तिंटुंदी मतलब वह खाएगी, ठीक है। लेकिन यदि लड़का के लिए कहना रहेगा तो हम क्या बोलेंगे? वह खाएगा, ऐसा बोलेंगे ना, वह खाएगा। यहाँ पे भिन्नता आ जाएगी। यहाँ पे बोल रहे हैं अतड़ू, वह के लिए अतड़ू। देखिये यदि वह बोल रहे हैं और लड़की है तो फिर हम लोग बोलेंगे उसको आमे, आमे, ठीक है आमे। और यदि लड़का है, लड़का है तो उसको बोलेंगे अतड़ू। इसको बिल्कुल याद रख लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। यदि बोलना है तो अतड़ू तिंटाड़ू, आमे तिंटुंदी। देखिए आमे तिंटुंदी अतड़ू तिंटाड़ू, ऐसा बोलेंगे। वह खाएगा, वह खाएगी फ्रेंड्स। मन तेलुगु चेप्तारु कदा आमे तिंटुंदी, आमे तिंटुंदी की हिंदीलो वह खाएगी चेप्पाली। इक्कड चूडंडि वह खाएगी, अट्लागे मन चेप्तारु कदा अतड़ू तिंटाड़ु, अतड़ू तिंटाड़ु हिंदी चेप्पालंटे वह खाएगा चेप्पाली, वह खाएगा। इक्कड चूडंडि फ्रेंड्स खाएगी, खाएगी अम्मायिकि चेप्पाली, अब्बायिकि खाएगा चेप्पाली, चूडंडि अला खाएगा अलागे, ओकेना। वह खाएगी, आमे तिंटुंदी, वह खाएगा, अतड़ू तिंटाड़ु, अतड़ू तिंटाड़ु अला माट्लाडाली, ओकेना फ्रेंड्स। अगला देखिए क्यों खाया, यदि हमें किसी से पूछना है क्यों खाया, तुमने क्यों खाया, तो क्या बोलेंगे? क्यों के लिए क्या बताई थी? इंदुकु, इंदुकु। फ्रेंड्स ये सब चीज तो बिल्कुल याद ही रखना पड़ेगा, है ना, इंदुकु। और क्वेश्चन वाले वीडियो में बता भी दी हूँ इंदुकु। खाया, क्यों खाया? इंदुकु तिन्नाऊ, तिन्नाऊ उस समय बोलना है, इंदुकु तिन्नाऊ, क्यों खाया। और रिस्पेक्ट रहेगा तो ऐसे तो हम लोग बोलेंगे देखिए तिन्नाऊ, ऐसा देखिए तिन्नाऊ। लेकिन यदि हमें रिस्पेक्ट से बोलना है, किसी को आदर देनी है, तो हम लोग कैसे बोलेंगे? ऊ के जगह पे हम लोग रू का प्रयोग करेंगे। वैसे पहले भी कई बार बता भी चुकी हूँ, फिर बता रही हूँ रू का। तो फिर इंदुकु तिन्नाऊ, क्यों खाया। अब बोलना है क्यों खाए, तो क्या बोलेंगे? इंदुकु तिन्ना रू, इसी को फिर हम लोग इसको यूज करेंगे, ऊ को यूज नहीं करेंगे, रू। इंदुकु तिन्ना रू, इंदुकु तिन्ना रू, क्यों खाए फ्रेंड्स। तेलुगु लो मनं चेप्तां कदा इंदुकु तिन्नाऊ, हिंदी में चेप्पालंटे क्यों खाया चेप्पाली, तिन्नाऊ खाया, खाया। और क्यों खाए रू चेप्पनप्पुडु मन की ए चेप्पाली, अंटे इंदुकु तिन्नारु, इंदुकु तिन्नारु चेप्पनप्पुडु मन की क्यों खाए चेप्पाली फ्रेंड्स। अलागे चूडंडि क्यों खाए, क्यों खाए, इंदुकु तिन्नारु अप्पुडु मन की क्यों खाए चेप्पाली, क्यों इंदुकु की क्यों, ओकेना फ्रेंड्स। इंदुकु की क्यों खाए, खाए अंटे पेद्दवाळ्ळकि, क्यों खाए पेद्दवाळ्ळकि इंदुकु तिन्नारु, क्यों खाए चिन्नवाळ्ळकि इंदुकु तिन्नावु, क्यों खाया,
ओके ना। अगला देखिए, मैं नहीं खाऊंगा, यदि हमें कहना है मैं नहीं खाऊंगा, मैं के लिए क्या बताएं? नेनू, नेनू नहीं खाऊंगा। तिन्नो सबसे आसान, तिन्नो, नेनू तिन्नो, मैं नहीं खाऊंगा, नेनू तिन्नो, मैं नहीं खाऊंगा। तिन मैंने खाओ, नु मतलब नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। फ्रेंड्स नेनु तिन्नो चेप्तानु कदा, अदि की हिंदी लो मैं नहीं खाऊंगा चेप्पाली। इक्कड़ चूडंडि रासेनु मैं नहीं खाऊंगा, ओके ना। अगला, वह खा लिया, यदि कहना है वह खा लिया, वह खा लिया, तो क्या बोलेंगे? अतड़ु, क्योंकि लड़के के लिए है ना, तो अतड़ु, लड़की के लिए आमे। यहाँ पे मैं बता भी दी ना, अतड़ु और आमे, तो वह खा लिया। अतड़ु तिने साड़ू, अतड़ु तिने साड़ू, क्या बोलना है? अतड़ु तिने साड़ू, तिने साड़ू, खा लिया, ठीक है। और अम्मा के लिए बोलना है तो, लड़की के लिए बोलना है तो क्या बोलेंगे? आमे तिने सिंदी, आमे तिने सिंदी, मतलब यहाँ पे तिने साड़ू और तिने सिंदी। देखिए मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देती हूँ, पता चल जाएगा। यदि लिख रहे हैं देखिए, तिने साड़ू किसके लिए हुआ? लड़का के लिए। तिने सिंदी, तिने सिंदी, तिने सिंदी लड़की के लिए क्या बोलेंगे? अतड़ु तिने साड़ू, अतड़ु तिने साड़ू, आमे तिने सिंदी, मतलब वह खा लिया या वह खा ली, वह खा लिया, वह खा ली। फ्रेंड्स मैं तेलुगु लो चेप्पानु कदा, अतड़ु तिने साड़ू, हिंदी लो चेप्पालंटे वह खा लिया चेप्पाली, अट्लागे आमे तिने सिंदी, आमे तिने सिंदी चेप्तानु कदा, अदिके वह खाली चेप्पाली, वह खाली, ओके ना। अगला देखिए, वह खा रहा है, यदि हमें बोलना है वह खा रहा है तो क्या बोलेंगे? अतड़ु तिंटुन्नाडु, अतड़ु, इस चीज को आज फ्रेंड आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है ना। अतड़ु, अतड़ु और आमे, अतड़ु लड़का के लिए, आमे लड़की के लिए, ठीक है। तिंटुन्नाडु, तिंटुन्नाडु खा रहा है, तिंटुन्नाडु, तिंटुन्नाडु। सब फ्रेंड्स आप बार बार बोलिए, जब तक आप इसको बार बार नहीं बोलेंगे ना तब तक जीभ पलटेगा नहीं। तो इसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार बोलना है, ठीक है फ्रेंड्स। और अभी जो हम लोग मास्टरिंग तेलुगु स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं, तो उसका हर वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिए, साथ ही साथ उसको प्रैक्टिस भी बहुत करिए। और उसका तो मैं पीडीएफ भी दे रही हूँ, तो आपको और आसानी होगी, ताकि आप उसको लिख लिख कर एक दो बार नहीं कई बार लिखिए। फ्रेंड्स जब मैं भी सीखती थी तो निश्चित रूप से तेलुगु शुरू में तो कठिन लगता ही है, बहुत कठिन लगता है ना, तो जीभ हमारा उस तरह से है कि उस तरह का हम ट्विस्ट कर पाए, और ना ही हमारी उंगलियां ऐसा हो पाती है। तो प्रैक्टिस से सब कुछ संभव है। मैं बहुत प्रैक्टिस की, हाथों में लिखती थी, पेपर में लिखती थी, स्लेट पे लिखती थी, बहुत जगह लिखती थी, तो लिखते लिखते मैं थोड़ी सी हैबिटेटेड हो रही हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स यदि तेलुगु अच्छी तरह से सीखना है तो प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और फ्रेंड्स deepadiary.com में बहुत सारे वीडियोज है, यदि आपको कोई वीडियो भी चाहिए तो आप जो है ना फ्रीली deepadiary.com में जाइए, वहां ट्रांसलेशन सेक्शन है, वहां पे पीडीएफ सेक्शन है जिसमें मास्टरिंग तेलुगु के पूरे वीडियोज आ रहे हैं, मास्टरिंग तेलुगु के बारे में पूरा उसका पीडीएफ वहां पे अपलोड है वो सब। तो फ्रेंड्स आप कहीं भी आप जाने की आवश्यकता नहीं है, बस deepadiary.com में जाइए और आसानी से सभी वीडियो एक ही जगह पे आपको वहां पे उपलब्ध हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स को देखते हैं, देखिए बोलना है वह खा रही है, ठीक है, वह खा रही है तो क्या बोलेंगे? टिंटू उन्नाडु, ठीक है। देखिए इसे टिंटू उन्नाडु लड़का के लिए था ना, लड़की के लिए हो जाएगा टिंटू उन्नाडु, टिंटू उन्नाडु, टिंटू उन्नाडु वह खा रही है, आमे टिंटू उन्नाडु वह खा रही है, आमे वह लड़की के लिए, टिंटू उन्नाडु वह खा रही है। फ्रेंड्स मन तेलुगु लो चेप्तानु कदा, अतड़ु तिंटुन्नाडु, अतड़ु तिंटुन्नाडु की हिंदी लो वह खा रहा है चेप्पाली, वह खा रहा है। अट्लागे हिंदी लो आमे तिंटुन्नाडु की वह खा रही है चेप्पाली, रहा है, रही है, अब्बे उन्ते रहा है, अम्मे उन्ते रही है, खा रहा है, खा रही है, इधर की वह है चेप्पाली, वह खा रहा है, मतलब की इकड़ा अब्बे अम्मे निंची मैं तेलुस्तुन्नानु कदा, इकड़ा मन की रहा है, रही है निंची मन की तेलुस्तुंदी, ओके ना फ्रेंड्स। अगला देखिए, वह खा लिया क्या?
वह खा लिया क्या, यदि किसी से पूछना है वह खा लिया क्या, तो बोलेंगे अतरु तीने सारा, अतरु तीने सारा, अतरु वह के लिए, अतरु लड़का के लिए है ना, वह तीने सारा खा लिया क्या, खा लिया क्या तीने सारा, उसको बोलेंगे तीने सारा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं चलता कदा फ्रेंड्स अतरु तीने सारा हिंदी में चपाले वह खा लिया क्या, क्या वह खा लिया अलग माटलाडोची, ओके ना, वह खा लिया क्या या क्या वह खा लिया इला माटलाडोची। फ्रेंड्स अगला देखिए, वह खा ली क्या, यदि लड़की के लिए पूछना है, ठीक है ना, अभी तो अतरु बोली और लड़का के लिए हुआ, लड़की के लिए वह खा ली क्या, तो आमे तीने सिंदा, ठीक है, उसको बोलेंगे देखिए यहाँ पे तीने सिंदा, तीने सिंदा, ठीक है, लड़का के लिए क्या था तीने साड़ा, तीने साड़ा, ये लड़का के लिए था ना तीने साड़ा तीने सिंदा, ठीक है ना, अतरु तीने साड़ा आमे तीने सिंदा, ठीक है, वह खा लिया क्या, वह खा ली क्या। फ्रेंड्स इकड़ चूडंडि मन चेप्तानु कदा तीने सिंदा, तीने सिंदा मतलब खा ली क्या, तीने सिंदा खा ली क्या, अब्बाई की तीने साड़ा चेप्तानु कदा खा लिया क्या चेप्पाली, खा लिया क्या, ओके ना। इसी प्रकार देखिए, वे खा लिए क्या, यदि बोलना है वे खा लिए क्या, तो यहाँ पे तो पक्का पता चल जा रहा है ना, वे वारु, वारु और फिर खा लिए क्या। अभी देखिए जैसे मैं बताया यहाँ पे तीने साड़ा, तीने साड़ा, यदि बड़े हैं रिस्पेक्ट है तो क्या बोलेंगे, रा के जगह पे रा लगाएंगे, तीने सारा, ठीक है ना, वारु तीने सारा मतलब वे खा लिए क्या, वे खा लिए क्या, वारु तीने सारा। फ्रेंड्स मैं चेप्तान कदा तेलुगुलो वारु तीने सारा वाली वे चेप्पाली, वह काकुंडा वे चेप्पाली, वे खा लिए क्या, वे खा लिए क्या। अगला फ्रेंड्स, आप खाएंगे क्या, यदि कोई पूछता है आप खाएंगे क्या, देखिए यहाँ पे आप बोला जा रहा है, आपका क्या बताई थी मीरू, देखिए यहाँ मीरू, टिंटारा खाएंगे क्या, देखिए यहाँ पे देखिए होगा टिंटारा, आप खाएंगे क्या, टिंटारा यहाँ पे देखिए रा है ना, टिंटारा आप खाएंगे क्या। और यदि मान लीजिए इसी को बोलना है तुम खाओगे क्या, तुम खाओगे क्या, यहाँ पे क्या बोलेंगे तिंटा वा, ठीक है ना, और फिर मीरू ना होकर क्या हो जाएगा वहां पे नुव्वो, फिर वहां पे हो जाएगा देखिए नुव्वो, ठीक है ना, मीरू तिंटारा नुव्वो तिंटावा, मीरू तिंटारा आप खाएंगे क्या, नुव्वो तिंटावा तुम खाओगे क्या, है ना आसान, बहुत आसान है फ्रेंड्स, बस हम लोग को थोड़ा इंटरेस्ट पे करना है, तिंटारा खाएंगे क्या, तिंटावा खाओगे क्या, ठीक है फ्रेंड्स, मैं तेलुगु चुप्तान कदा तिंटारा हिंदी लो खाएंगे क्या चेप्पाली, खाएंगे क्या, अट्लागे तिंटावा चेप्तारु कदा अप्पुडु मनकि खाओगे क्या चेप्पाली, खाओगे अलागे खाओगे चेप्पाली, खाओगे क्या, खाओगे क्या, ठीक है फ्रेंड्स। अगला देखिए, यदि कहना है कब के खा लिए, यदि किसी को बोलना है कब के खा लिए, तो क्या बोलेंगे एप्पड़ो, एप्पड़ो तीने सानू, एप्पड़ो तीने सानू, एप्पड़ो तीने सानू, एप्पड़ो तीने सानू कब के खा लिए, ठीक है, कब के खा लिए। फ्रेंड्स मन तेलुगु लो चेप्तां कदा एप्पड़ो तीने सानू, हिंदी लो चेप्पालंटे कब के खा लिए चेप्पाली, कब के खा लिए ने भोजन अयिपोयिंदा चाला सेप अयिपोयिंदि कब के खा लिए, ओके ना। उसी प्रकार तुम खा लिए का, तुम खा लिए क्या, यदि किसी से पूछना है तुम खा लिए क्या, बोलेंगे तुम के लिए नुको तीने सावा, तीने सावा, तीने सावा खा लिए क्या, नुको तीने सावा खा लिए क्या, तुम खा लिए क्या। इसी प्रकार यदि बड़े से पूछना है आप खा लिए क्या, तो क्या बोलेंगे नुको तो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे मीरू, मीरू, मीरू नुव्वु तो छोटा के लिए है ना, मीरू, फिर तीने सावा नहीं बोलेंगे, फिर क्या बोलेंगे, अब तक तो पता चल ही गया होगा, वा के जगह पे रा लगा देंगे, नुव्वु नहीं बोलना है, तीने सावा नहीं बोलना है, बोलना है मीरू तीने सारा मतलब आप खा लिए क्या। फ्रेंड्स मतलब तेलुगु चेप्तानु कदा नुव्वु तीने सावा हिंदी लो तुम खा लिए क्या, अट्लागे मीरू तीने सारा हिंदी लो आप खा लिए क्या, इला माटलाडाली,
ओके ना फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यदि बोलना है स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए, मान लीजिए किसी को कुछ सामान दे रहे खाने के लिए, अब बोलना है ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, तो क्या बोलेंगे? आरोग्यम की मंचिति। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक और चीज है, मंचिति। मंचिति मतलब स्वास्थ्य के लिए मंचिति अच्छा है। और यदि मान लीजिए बोलते हैं मंचिवी, ठीक है, देखिए यहाँ पे यदि बोलते हैं मंचिवी मतलब बहुत सारे चीज है ना, उसमें बोलना है, ये एक वचन में हो गया, मंचिति जो हो गया एक वचन में हो गया, और मंचिवी जो हो गया वो बहुवचन में हो गया। ठीक है, बहुवचन में। आरोग्यम की, किस चीज के लिए? आरोग्यम, आरोग्यम की मंचिति, माने एक किसी को एक सेव दे रहे हैं तो क्या बोलेंगे उसको देते समय? आरोग्यम की मंचिति, तिनंडी मतलब खाइए, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है ना। तो तेलुगु में कहना तो क्या बोलेंगे? आरोग्यम की मंचिति, तिनंडी, आरोग्यम की मंचिति। और यदि मान लीजिए एक टोकरी फ्रूट्स दे रहे हैं ढेर सा, तो क्या बोलेंगे? आरोग्यम की मंचिवी, तिनंडी, आरोग्यम की मंचिवी, मतलब उसमें बहुत सारे फ्रूट्स है, मतलब स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, खाइए। फ्रेंड्स मैं तेलुगु चुप्तन कदा आरोग्यम की मंचिवी मंचिति, हिंदी लो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है अला चेप्पाली। इंकोक्ति फ्रेंड्स चाला यूजफुल माट, ఈ తిను బండారాలు చాలా రుచిగా ఉన్నాయి, హిందీలో చెప్పాలంటే మనకి చెప్పాలి ఏ ఖానే కా సామాన్ బహుత్ స్వాదిష్ట్ హై, ఏ ఖానే కా సామాన్ బహుత్ స్వాదిష్ట్ హై, ఏ ఖానే కా సామాన్ బహుత్ స్వాదిష్ట్ హై, బహుత్ స్వాదిష్ట్ హై, ఏ ఖానే కా సామాన్ బహుత్ స్వాదిష్ట్ హై, ఈ తిని బండారాలు చాలా రుచిగా ఉన్నాయి। ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఈ ఖానే కా సామాన్ బహుత్ స్వాదిష్ట్ హై, ఇది ఇసే తెలుగు మే కహనా హై తో కహెంగే ఈ తిను బండారాలు చాలా రుచిగా ఉన్నాయి, ఈ తిని బండారాలు చాలా రుచిగా ఉన్నాయి। ఇది కిసికు తారీఫ్ కర్నీ హై ఖానే కే సామాన్ కీ తో బోలెంగే ఈ తిని బండారాలు చాలా రుచిగా ఉన్నాయి। ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఫ్రెండ్స్ ఆర్ ఇది కుచ్ అచ్చా నహీ లగ్తా హై తో క్యా బోలెంగే? ఫిర్ బోల్తే నా హమ్ లోగ్ ఈ స్వాదిష్ట్ నహీ హై, ये स्वादिष्ट नहीं है, तो क्या बोलेंगे? इति अंता रुचिका लेदु, अंता रुचिका, रुचिका का मतलब होता है फ्रेंड्स स्वादिष्ट, ठीक है ना, रुचिका याद रखिए, रुचिका मतलब स्वादिष्ट। यदि बोलना है ये स्वादिष्ट नहीं है तो क्या बोलेंगे? इति अंता रुचिका लेदु, इति अंता रुचिका लेदु, लेदु मतलब नहीं है, इति अंता रुचिका लेदु। फ्रेंड्स मैं तेलुगुलो चेप्तानु कदा इदि अंत रुचिगा लेदु, हिंदीलो चेप्पालंटे ये खाने का सामान उतना स्वादिष्ट नहीं है। फ्रेंड्स कैसी लग रही वीडियो? फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, साथ ही साथ कमेंट्स करिए। फ्रेंड्स अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।